नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी पार्टियां जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, वे किसानों के कंधे पर बंदूक रख के रियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा, नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए लाए गए हैं, इससे किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, किसान हमारा अन्नदाता है, वह जल्द ही विरोधियों की मनसा समझ जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने बरेली में समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली में विकास कार्यों की समीक्षा करने बरेली पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बरेली में 1054 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 14 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह 372 करोड़ की लागत से 21 सेतु निर्माण हो रहे हैं, जिसमें 7 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 14,047 करोड़ की लागत से जिले में 123 अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिसमें 45 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्रीकांत शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा समन्वय का अभाव था। दूसरा, एक कोविड के कारण भी थोड़ा अशिथिलता आई थी, लेकिन अब सब लोग तेज गति से अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और हमारे जिलाधिकारी का जो कोऑर्डिनेशन है सभी विभागों के साथ, वो और बेहतर हुआ है और आने वाले जो महीने हैं उनमें और बेहतर होगा। नगर निगम क्षेत्र में बहुत शिकायतें मिली हैं, खासतौर से जल कल की, जल निगम की जो सीवर की लाइन डाली जा रही है, जो पेयजल की लाइन डाली जा रही है, उसमें सीवर की लाइन और पानी की लाइन जो खुदाई होती है, जो जिसमें नोडल नगर आयुक्त हैं, नगर निगम उसमें नोडल है, हमने निर्देश दिया है कि जितनी आप सीवर की लाइन खोद रहे हैं तुरंत वहां पर फिलिंग हो जाए और सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाए। तो जहां पानी की पाइपलाइन डल रही है, जहां सीवर की पाइपलाइन डल रही है, तो शहर की सबसे ज़्यादा शिकायत थी उसमें, तो उस पर तेज़ गति से काम होगा। उसमें हमने कमिश्नर को भी अभी हम बात करेंगे, और क्योंकि आज नगर आयुक्त छुट्टी पर थे इसलिए उनके जो लोग थे उनको भी हमने निर्देशित किया है। हमारे जो मेयर साहब हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। अधिवक्ताओं ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। शुक्रवार को अधिवक्ता का एक समूह एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने थाना बारादरी के चौकी जगतपुर इंचार्ज की शिकायत की। एसएसपी कार्यालय आए लोगों ने बताया कि अधिवक्ता लालाराम के पुत्र को चौकी इंचार्ज जगतपुर में चौकी में बुलाकर मारपीट की गई है। अधिवक्ताओं का मानना है, ऐसे चौकी इंचार्ज को सजा होनी चाहिए। हमारे सीनियर अधिवक्ता लालाराम गंगवार जी, इनको 24/2/2021 को 6:30 बजे 9 बजे इनके बेटे और धोते के संग मारपीट की। थाना प्रभारी अनिल कुमार चौकी इंचार्ज और उनके संग सिपाही हैं राजीव और गौरी शंकर। जब वकील साहब वहां गए थाने में, तो वकील साहब के संग भी थाने इन तीनों के संग मारपीट की, जिसमें उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। आज उसी संबंध में हम लाला राम गंगवार जी के संग आए थे। प्रभारी एसएसपी महोदय द्वारा थाने को आदेशित किया गया है, जो चुटैल हैं जिनको पुलिस ने मारा है थाने के अंदर, उनका मेडिकल कराया जाए और सीओ सेकंड को इसकी सीओ थर्ड को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आदेशित किया गया है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अभी क्या रखेगा? तो हम इसके बाद हम उच्च अधिकारियों से मिलकर रिपोर्ट लिखाने के लिए कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद जो भी हमारा कानूनी कार्रवाई उचित होगी वो हम करेंगे। क्या नाम आपका? मनमोहन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? पूर्वांचल नगर। थाना? इज्जत नगर। हाँ, क्या मामला है, किस तरीके से आप घायल, क्या है पूरा मामला? सर, ऐसा है कि मैं आता हूँ जाटव एससी कास्ट में जी, सक्सेना जी, तो कास्टवादी भावनाएं बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। किसके अंदर? ससुराल वालों के। मेरे दबाव जाला डालता है तो डाला जाता है। ससुराल कहाँ है आपकी? प्रेम नगर भूड़ो पे। अच्छा, तो वहाँ पे इनके ससुराल वालों को पेमेंट देना होता है मुझे, जो कि इस बार मैं नहीं दे पाया हूँ। अभी इनकी दो बुआएं मेरे साथ ही रहते थे। अच्छा। उनका पालन पोषण भी मेरे को ही करना होता था, अभी मैं नहीं कर पाया तो उनकी वजह से भी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। अच्छा। अभी जब इन्होंने मुझे घर पे बुलाया, मेरी वाइफ ने मुझे फोन करके घर पे बुलाया था। क्या नाम है वाइफ का? मनी सक्सेना। क्या हुआ? घर पे बुलाया था। घर पे बुलाने के बाद जब मैं घर पे गया तो घर में बच्चे हुए दो कमरे हैं, उनमें ऑलरेडी 4 बंदे छुपे हुए थे, इनके मामा सूर्य प्रकाश, इनका भाई नीरज, ठीक है, इनके पापा और इनकी दो बुआ और मम्मी,
ये लोग छुपे हुए थे। जैसे मैं अंदर गया हूँ वो लोग बाहर निकल आए, तो पहले तमंचे से वार करने की कोशिश की, वो चला नहीं, मिस हो गया। मिस होने के बाद दूसरी कोशिश करी सूर्य प्रकाश ने, उनसे भी मिस हो गया। फिर इन्होंने गिरा लिया मुझे, फिर चाकू मारने शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ चाकू मार दिया, तो हाथी कट जाता, हड्डी भी दिख रही थी इसमें, इसमें टाके आए। शादी को कितनी साल हो गए? 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपका कोई मतलब बेटा है? बेटा है। क्योंकि आपने प्रेम विवाह किया था या मतलब क्या है? लव मैरिज थी। अब वहाँ पर जब बाहर निकल के मैं बाहर गया चिपते हुए, तो लोग इकट्ठे हुए, तो ये सब लोग फरार हो गए। एक को पकड़ लिया जो कि इस समय कस्टडी में है। अच्छा, पुलिस में आपने एप्लीकेशन दिया है? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने मनाया 56वां स्थापना दिवस। कोविड-19 के चलते संयुक्त परिषद की पिछले 8 माह से कोई बैठक नहीं हुई। सभी राज्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस पर पहुंचकर अपने अपने विचार रखे। स्वयं संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के जिला अध्यक्ष का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी के 15 भत्ते रखे। स्थापना दिवस पर सरकार से आग्रह किया गया है कि 15 भत्ते पुनः शुरू किए जाएं और सरकार द्वारा जो राज्य कर्मचारियों की पेंशन बंद की गई है उसे पुनः लागू किया जाए। इस पर सभी संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। आज परिषद का 56वां स्थापना दिवस है। इस 56वें स्थापना दिवस के कार्य परिप्रेक्ष्य में आज सभी घटक संघों को एकत्रित किया गया है। राज्य कर्मचारी संघ का परिषद सभी राज्य कर्मचारियों का एक संयुक्त फॉर्म है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज आते हैं। सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते हुए हमारे भत्ते बंद कर दिए हैं। उसी के साथ साथ नई पेंशन योजना ले आई है, पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है और नकदीकरण बंद कर दिया है। इसी सब को जागृति लाने के लिए, आंदोलन की तैयारियाँ शुरू करने के लिए ये प्रांतीय निर्देशों पर आंदोलन की तैयारी चल रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की बैठक की गई है कि आज हम सब लोग एकत्रित होकर अपने खोए हुए भत्तों को पुनः प्राप्त करने के लिए कैसे रणनीति बनाएं, उसी पर विचार विमर्श चल रहा है। इस बैठक में जनपद बरेली के समस्त राज्य कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हैं और आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 56वां स्थापना दिवस है। और इसलिए स्थापना दिवस और महत्वपूर्ण है कि अब तक जो सरकार द्वारा हमारी सुविधाएं छीनी गई हैं, जो पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई, भत्ते सीज कर दिए गए, अनावश्यक छटनी की जा रही है, उन सबके के वजह से जो आक्रोश और जो यानी एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर आगे एक रणनीति तैयार की जा रही है कि अब शीघ्र ही प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के लिए लाखों कर्मचारी और बरेली के हजारों कर्मचारी इस बात के लिए अपने आंदोलन पर उतरेंगे कि हमारी सारी मांगे पूरी हों, हमें नहीं पुरानी पेंशन चाहिए। करने के बाद कब के लिए डिसाइड किया जा रहा है? नहीं, इसकी तिथि अभी डिसाइड नहीं है। पहले हम यानी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज जो स्थापना दिवस है, प्रत्येक जनपद में स्थापना दिवस का आयोजन हो रहा है, उसी में ये एक जन जागरण चलाया जा रहा है कि हम लोग इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि हमें एक बड़ा आंदोलन करना है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लगभग प्रदेश के 250 कर्मचारी संगठनों का एक बड़ा संगठन है, संयुक्त संगठन है, और ये सदैव से राज्य कर्मचारियों के समस्याओं के प्रति अपना संघर्ष का एक आंदोलन तैयार करते रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा सजग रहा है ये संगठन। पिछले दिनों सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरोध में तमाम फैसले लिए गए, उन फैसलों से कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियां अभी तक लंबित पड़ी हुई, रिपोर्टें सरकार के पास आ चुकी हैं लेकिन उनको सरकार कोई निर्णय नहीं लेती। इसके अलावा विभिन्न विभागों के मर्जर का उसने प्रस्ताव बना रखा, जिससे कर्मचारियों की संख्या को कम करने का काम कर दिया। इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए, जैसे कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा का दिया सरकार ने एक नियम है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है। यानी कैशलेस सुविधा जो दी है, इलाज के लिए पैसा देती है सरकार, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो पहले अपना घर और ज़मीन बेच करके अपना इलाज कराए, उसके बाद उसको सरकार पैसा देगी, वो भी आधा अधूरा देगी। लेकिन कैशलेस जब सुविधा दी गई तो आदमी अस्पताल में भर्ती, उसका सरकार इलाज कराए, वो सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार अपने निर्णयों को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है, कर्मचारी विरोधी फैसले लगातार कर रही है। इन्हीं सब के विरोध में एक जन जागरण के रूप में भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, क्योंकि 26 फरवरी को हमारे संगठन का उदय हुआ था इस राज्य कर्मचारी संघ परिषद।
उसका आज स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस के साथ साथ कर्मचारियों के लिए जन जागरण का भी एक कार्यक्रम, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें जो आंदोलन देगा उसके लिए हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने का काम कर रहे हैं। बरेली हजरत मौला अली की यमु पैदाइश का जश्न मनाया गया। बाद नवाजे जुमा दरगाह नाजिर मियां मस्जिद नोमहला पर हजरत मौला अली की यमो पैदाइश के मौके पर जश्न मनाया। बाद नवाजे असर हजरत मौला अली की नज़र पेश की गई। इस मौके पर बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खां बारसी ने हजरत मौला अली ने हक और हकीकत का रास्ता बताया है। हजरत अली ने फरमाया है कि अगर इन बातों पे आप चलें तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जो इंसान सजदों में रोता है उसे तकदीर में रोना नहीं पड़ता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को अभी गिरने नहीं देती। हजरत मौला अली की नसीहतों पर अमल करने वाला हर इंसान हमेशा कामयाब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज दरगाह नासिर मियां मस्जिद नौमेला बरेली शरीफ के अंदर 13 रजबुल मुरज्जब को मौलूद काबा हजरत मौला कायनात मौला अली मुर्शिद खुशाली करमल्लाहुल वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के एक छोटा सा जश्न मनाया गया बड़ी सादगी के साथ में, जिसमें असर मगरिब में कुल शरीफ का एहतमाम किया गया और खुसूसन मौलाए कायनात की विलादत पर तमाम आलम इस्लाम को आपकी विलादत की मुबारकबाद दी और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की गई। फिट इंडिया टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन बरेली एवं जिला क्रिकेट कमेटी बरेली द्वारा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन खलीफा ग्राउंड खुसरो डिग्री कॉलेज में किया गया। एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया, पहला मैच श्री बस्ती व बरेली लायंस के बीच खेला गया जिसमें श्री बस्ती ने जीत दर्ज की है। दूसरा मैच कौशाम्बी व बहराइच के बीच जिसमें कौशाम्बी ने जीत दर्ज की। तीसरा मैच शाहजहांपुर व अयोध्या के बीच खेला गया जिसमें अयोध्या ने जीत दर्ज की है। चौथा मैच गोंडा व सीतापुर ग्रीन के बीच खेला गया जिसमें सीतापुर ग्रीन ने जीत दर्ज की। पांचवा मैच प्रयागराज व बरेली टाइगर्स के बीच खेला गया जिसमें प्रयागराज ने जीत दर्ज की है। नवादा सेखन श्रीमद भगवत कथा कलश यात्रा का हुआ आरम्भ। बरेली पुराना शहर के क्षेत्र के नवादा शेखन में श्री भगवत कथा कलश यात्रा के साथ 18 फरवरी से शुरू हुई, 26 फरवरी को संपन्न होगी। प्रथम बार चरण सिंह के सौजन्य से प्रथम बार श्रीमद भगवत कथा का आयोजन पहली बार हो रही है, जिसमें कथावाचक पंडित शैलेंद्र महाराज वृंदावन के द्वारा प्रतिदिन 3 से 9 बजे तक कथा सुनाई जाती है। बड़ी धूमधाम से श्रद्धालु आनंद लेते हैं